लें जी, अब 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाला है। और पहले हमें किसको समझना चाहिए? स्टेटमेंट को। दिया है फार्मूला पी। लो जी, उन्होंने पहले फार्मूला दे दिया, हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें किस चीज की जरूरत है? फार्मूले की। वो क्या है? इट्स इक्वल टू 95 एंड क्यू ओवर 10। ये हमारे पास फार्मूला पी 95 और होल पावर इसकी है मनफी क्यू ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड। ये अब डिमांड पर अप्लाई करेगा ऑफ ए प्रोडक्ट, एक चीज की। वेयर क्यू इज द नंबर, जहां क्यू क्या है? ये एक नंबर है। ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के ये 2, 4, 5 कितने नंबर बनते हैं। एंड पी इज द प्राइस, और पी क्या है? प्राइस ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट की प्राइस पी शो करता है। हाउ मेनी यूनिट विल बी डिमांड इफ प्राइस इज 18। अगर 18 रुपीज प्राइस है तो फिर हमारे पास कहते हैं यूनिट कितने होंगे। ये गिवन है हमारे, पी कितनी है? 0.00 लिखना हो तो तब भी ठीक है, अकेला 18 ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरे हो वैल्यू सेम रहती। आगे क्या है? 90 और 5 की। अब हमें पता है कि 3.4 को उसने ऊपर कहा था यूजिंग द लॉग टेबल, लॉग टेबल को आपने इस्तेमाल करते हुए हल करना है। तो क्या आया लॉग टेबल? फिर टेकिंग लॉग ऑन क्या लॉग है? लॉग 18 लॉग 90 इंटू 5 और होल पावर क्या है? क्यू ओवर है। अब जरा चेक कर लो, इधर हमारे पास लॉग को हम ओपन करते हैं, ये लॉग 90 आ गया, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ गया, फिर लॉग और होल पावर क्यू ओवर है। क्यू ओवर 10 को हल करना आता है कि नहीं आता है? वेरी गुड। लॉग 18 की वैल्यू बताओ, 18 टू डिजिट है तो 1 करेक्टर 6 है। 18 का 0 में देखा क्या आंसर आया? बटन ठीक ना करे कुछ सवाल भी बता दे जी। 25 53। लॉग 90 का करेक्टर 6 1, 90 का 0 में देखा क्या आया? 95 42। इसका जरा पावर कहाँ पे आ गई? इसलिए मैंने क्या होगा 10 पे लिख लिया। आगे लॉग 5 ही बनेगा, 5 का हम लॉग फाइंड करते हैं, 5 का क्या आएगा? 0। और 5 की जगह पे 50 का 0 में देखा जाता है, कितना आएगा 50 का 0? कितना? 6991 90। क्यों भी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं है, करें हाल आगे। फिर माइनस का 12553 इट्स इक्वल 1.95। 10 इस पे डिवाइड कर लेते, और 10 जब इस पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 0.0 है, लास्ट वाला 0 लिखने की जरूरत है नहीं। ये 10 इस पर मैंने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, और ये कोई यहाँ पर नई चीज़ है नहीं। ये क्यू वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, इधर आके प्लस का हो गया, क्यों भाई? और ये जो दूसरी साइड है इसको मैं राइट पे ले जाता हूँ, ये राइट पे जाकर किसका हो जाएगा? तो क्या आ गया? ये एज इट आ गया क्यों, और साथ वैल्यू भी 0.699। इसमें ये मनफी करना है, 2 में से 3 तो माइनस नहीं होगा, इसलिए ये बड़ी वैल्यू ये छोटी इसी में से मनफी करना ना, 1 कैरी, 12 में से 3 गया तो 9। अब ये 5 है, इधर 3 है, तो फिर इधर 1 कैरी, 13 में 5 गया तो 8। आगे फिर इसका 5 है और इसका 4 रह गया, 1 कैरी लिया, 14 में से 5 गया तो 9। क्या रह गया? 8 में से 2 गया तो 6, और 1 में 1 गया तो 0। पॉइंट आ गया 4 डिजिट बाद। क्यों फाइंड करना? ये मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर। वेरी गुड, 0.6989 और ये डिवाइड 0.06 है जी। कितना आंसर आया डिवाइड करने पर? 9.998। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 9 को,
तो राउंड ऑफ किया तो ये कितना आ जाएगा? 10. कितने यूनिट है? 10. उम्मीद है समझ आई होगी। yes, प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, करिएगा, हल करो, अगर वरना आगे चलते हैं फिर।